Hi everyone, welcome back to Eat Vidyarthi Rotten. This is Varsha और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं genealogies. Genealogies का मतलब होता है वंशावली और ज्यादातर प्रशस्ति कैसी होती है वो इन genealogies को बताती है कि ये जो इंसान है उसके grandfather, great grandfather का नाम क्या था, वो लोग क्या थे और इनके बच्चे क्या हैं और उनके भी बच्चे क्या हैं. तो प्रशस्तियों में पूरी की पूरी वंशावली लिखी होती है, वंशावली बताई गई होती है. सो हमारे समुद्रगुप्ता की भी एक वंशावली है इनकी प्रशस्ति के अंदर और हम समझते हैं कि उसके अंदर और कौन कौन लोग हैं, किन किन को जगह मिली है. सो Most prashastis also mention the ancestor of the ruler. Ruler के ancestor को mention करते हैं. इस प्रशस्ति के अंदर बताया गया है कि जो हमारे समुद्रगुप्त है उनके father का नाम चंद्रगुप्त था और वो क्या थे, he was the founder of Gupta dynasty. वही क्या थे, Gupta dynasty के founder थे. उन्होंने Gupta dynasty की foundation रखी थी, नींव रखी थी. वही उनकी माता का नाम कुमारा देवी था जो कि लिच्छवी गणा से बिलोंग करती थी, लिच्छवी गणा से उनका रिश्ता था एंड इन दोनों का बेटा था हमारा समुद्रगुप्ता. सो ये हो गई हमारे गुप्ता एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर समुद्रगुप्ता के मॉम एंड डैड की बात. इनके जो दादा थे उनका भी नाम लिखा हुआ है लेकिन हमें क्या बताया गया है कि इनके जो फादर थे उनके नाम के आगे महाराजा धीराज लगाया जाता था एंड चंद्रगुप्ता के बाद समुद्रगुप्ता ने भी महाराजा धीराज अपने नाम के आगे लगाया. लेकिन जो हमारे इनके ग्रैंडफादर है और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है उन्होंने अपने नाम के आगे सिर्फ महाराजा लगाते थे. इसका मतलब ये है कि पहले भी, यानी कि चंद्रगुप्ता से पहले भी इनकी जो फैमिली थी वो रूलिंग फैमिली थी बट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी. आफ्टर चंद्रगुप्ता जो कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है उसी के बाद से हमारी गुप्ता डायनेस्टी इतनी इम्पोर्टेंट हुई है. ऑल्सो इनके बेटे के बारे में भी पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन एंड पॉइंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्ता टू सन ऑफ समुद्रगुप्ता. और हमारे जो इंस्क्रिप्शन है और पॉइंट्स है वो चंद्रगुप्ता टू के बारे में बताते हैं. वो जो चंद्रगुप्ता टू है वो कौन है, समुद्रगुप्त के बेटा है. इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने ही लेड एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ शाकास. तो हमने पढ़ा था कि हमारे समुद्रगुप्ता की जो नीतियां है उसके अंदर हमने शाका की बात करी थी और शाकाओं ने अपनी बेटियों का हाथ हमारे समुद्रगुप्ता को दे दिया था तो लोग आराम से रह रहे थे. लेकिन जब समुद्रगुप्त के बेटे आए तो क्या हुआ कि उन्होंने शाकाओं को बिल्कुल जड़ से मिटा दिया. ठीक है, तो उनका एक ये सबसे बड़ा योगदान था. साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्ता के एम्पायर के अंदर, चंद्रगुप्ता के कोर्ट के अंदर यानी उनकी सभा के अंदर बहुत ही ज्ञानी लोग थे जैसे कालिदास और आर्यभट्ट. आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे और कालिदास कौन थे, he was a poet, लिटरेचर लिखते थे. तो ऐसे जाने माने लोग भी हमारे चंद्रगुप्त के कोर्ट में विराजमान थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द जीनोलॉजी यानी वंशावली ऑफ आवर समुद्रगुप्त द म्यूजिक किंग. सो यहाँ पे हमारा समुद्रगुप्त खत्म होता है लेकिन नेक्स्ट रूलर दैट इज हर्षवर्धना का टॉपिक स्टार्ट होता है. तो हर्षवर्धना को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.